की खेती देख कर गर्व किया किसान, अज हूँ झोला बहुत है घर आवे तब जान। कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी, कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी। फसल के पक जाने पर किसान बहुत खुश होता है, उसे अपनी मेहनत पर बहुत गर्व होता है, लेकिन उसे पता नहीं कि उसके घर आने तक बहुत सी मुश्किलें आती है। समय का कोई भरोसा नहीं होता, पता नहीं कब काल आ जाए। हाड जले लकड़ी जले जले जलावनहार, पोती कहारा भी जले कांसू करे पुकार। कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी, कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी। शमशान में हड्डियां जल जाती है, लकड़ियां जल जाती हैं, और एक दिन उन्हें जलाने वाला भी जल जाता है। जो दाह क्रम को देखता है वह भी जल जाता है, फिर कहां पुकार की जाए। अर्थात मृत्यु से बचा नहीं जा सकता, वह अटल है, अटल है, अटल है। मौत बिसारी बावरी अचरज किया है कौन, तन माटी में मिल गया जो आटा मेलों। कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी, कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी। कबीरदास जी कहते हैं, वे पागल लोग होते हैं जो मृत्यु को भूल जाते हैं, और जब यह आती है तो अचंभे में पड़ जाते हैं। अरे लोगों, मौत आने पर यह शरीर वैसे ही मिट्टी में मिल जाता है जैसे कि आटे में नमक, प्राण त्याग देते हैं। है दूजा सब आकार, आपा मेटे हरी भजे तब पावे दीदार। कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी, कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु और गोविंद यानी भगवान में कोई अंतर नहीं है। हम सच्ची लगन, सच्ची भक्ति, सच्चे समर्पण से गुरु में भी भगवान के दर्शन पा सकते हैं। इसीलिए अपने गुरु पर भी दृढ़ विश्वास रखकर उसकी सेवा करनी चाहिए। काके लागू पां, बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद दियो मिला। कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी, कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी। गुरु और भगवान दोनों आकर खड़े हो जाएं तो पहले किसके चरण स्पर्श करें? सचमुच यह यक्ष प्रश्न है, लेकिन गुरु के चरण स्पर्श करना ही श्रेष्ठतर है, क्योंकि वे ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। इसीलिए गुरु श्रेष्ठ हैं।
नारायण रूप है गुरु ज्ञान को घाट, सतगुर वचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट। कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी, कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी। कबीरदास जी गुरु का स्थान उत्तम रखते हुए कहते हैं, गुरु ही ज्ञान मोक्ष और सत्य के प्रदर्शक है और दोषों का निराकरण करने में सर्व सक्षम है, इसीलिए गुरु ही नारायण यानी भगवान है।